ओम शांति। ये रात्रि क्लास चल रहा था, 8 जून 1966। बात चल रही थी बाप सर्वशक्तिवान है, सर्वात्माओं से शक्तिवान है, अभी आत्माओं को सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति मिल रही है। फिर कम होती जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप को याद करो तो शक्ति का वर्षा मिलेगा, और याद से ही वर्षा लेना है। तुम भी समझते हो हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं, और तो कोई नहीं समझते हैं। शिव बाबा इन आंखों से हमको देखते हैं, आत्मा ही देखती सुनती और बोलती है। अब तुम आत्माएं जानती हो बाबा भी शरीर में विराजमान है। वर्षा देने आए हैं और पावन भी बनावेंगे। जितना तुम पावन बनेंगे उतना ऊंचे पद पावेंगे। आगे तो तीर्थों पर जाते थे बहुत तकलीफ करके, अभी तो तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। बाप आए वर्षा देते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। उस दुनियावी पढ़ाई में तो बहुत खिटपिट है। कितने ढेर की ढेर किताबें होती हैं, आठ छह छियासठ की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। यहां बुढ़ियों को कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, तुम कुछ भी नहीं जानती हो तो बहुत अच्छा है। जो भी पढ़े हुए हो इस समय वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जो राजयोग बाप सिखाते हैं वो राजयोग की बात शास्त्रों में नहीं है। तेल में उतनी ताकत नहीं होती है, घी में तो ताकत होती है। भक्ति मार्ग में सारा तेल ही तेल है, और ये तो घृत है। जिस घृत से तुमको कितनी ताकत मिलती है,
तुम शक्तिवान बनते हो ना, तो हमेशा अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और ये भी जानते हो आत्माओं को वर्षा देने बाप ही आते हैं। बेहद का वर्षा स्वर्ग था, सबको सतो प्रधान बनाते हैं और सब आत्माओं को जीवन मुक्ति देते हैं। कोई भी बात में मुझान हो तो उस समय छोड़ देना चाहिए। मूल बात है ये एक बाप को और षष्ठ चक्र को जानना। तुम जानते हो कि पतित बनने के कारण ये बेड़ा गर्क हुआ है। विकारी मनुष्य कोई काम के नहीं होते हैं। तुम पावन बन रहे हो, वो पतित हैं। आत्मा जानती तो है ना मैं पतित हूं, मैं आत्मा विष्टा का कीड़ा हूं, अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तो मूल बात है पावन बनने की। पतित को सभा में बैठने से भी बड़ा पाप पड़ता है। क्यों? क्योंकि पतित के पतितपने के वाइब्रेशन संगठन को खराब करते रहेंगे। सभा में ऐसे समझे जैसे कि स्वच्छ सभा में कोई भंगी से भी बदतर बैठा हो। बहुत दंड खाते हैं। इससे तो सभा में नाना बेहतर है। आने से तो और ही अपना कल्याण करेंगे। क्योंकि बाबा का हुक्म मिला हुआ है पवित्र बनना है, तो पतित को यहां सभा में आने से डरना चाहिए। बहुत नुकसान हो जाता है। हो सकता है कोई सुन करके सुधर भी जाए आइंदा के लिए। प्रतिज्ञा करो, सो तो तब करें जब बुद्धि में बैठे, नहीं तो दंड के भागी बन पड़ते हैं। अच्छा, गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है June 17, 1966। यहां बैठे तो हो, क्या शिव बाबा की याद में हो? ये जानते हो वो हमको सुखधाम का मालिक फिर से बनाए रहे हैं। तो बच्चों की बुद्धि में अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी दुनिया के बीच बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं।
यहाँ बैठे हो तो बच्चों को खजाना मिलता है। अनेक प्रकार की कॉलेजें होती हैं, यूनिवर्सिटियों में किसी की बुद्धि में ये बात नहीं रहती है। यहां तो तुम ही जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये खुशी तो रहनी चाहिए ना। इस समय और सब ख्यालात निकाल कर एक बाप को ही याद करना है। यहां जब बैठते हो तो बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, हम अब सुखधाम के मालिक बन रहे हैं और ये सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कल पहले भी बहुत ही मनुष्य अज्ञान अंधेरे कुंभकर्ण की नींद में खोए हुए थे, फिर खत्म हो गए। अभी फिर भी ऐसे ही होगा। ये भी बच्चे समझते हैं हमको तो बाबा ने अडॉप्ट किया है अथवा तो हमने बाबा के धर्म की गोद ली है। वो बाबा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण सच्चा सच्चा गीता पाठ सुन रहे हैं। सच्चा सच्चा क्यों कहा? क्योंकि सच्चा बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात जरूर बुद्धि में आना चाहिए। बाप भी आकर के खुशी की बातें बताते हैं। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए हम अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूं। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक में जाते हैं। बाप कहते हैं मैं मृत्यु लोक में आता हूं। इस मृत्यु लोक में सब की मृत्यु हो गई है, ए टू जेड। इसलिए मुसलमान लोग क्या कहते हैं, सब कब्र दाखिल हो गए, सब की बुद्धि मिट्टी में मिल गई, उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूं। इन शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, समझते हैं वो सर्वशक्तिवान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। परंतु बच्चे तो जानते हैं, उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन आओ, पतितों को आ करके पावन बनाओ, दुख हर करके सुख दो। इसमें जादू की व तुलसम की कोई बात नहीं है। बाप आते ही हैं कांटे से फूल बनाने के लिए। इस कांटों के जंगल में तुम कांटे ही कांटे थे। तुम जानते हो अब कि हमें ही सुखधाम में देवताएं थे और धर्म वाले वहां नहीं थे।
हम ही सतो प्रधान थे, परंतु हरेक को सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान में आना ही है। यहां बैठने के समय तो बच्चों को और ही मजा आना चाहिए। कोई अनजान या विपरीत धर्म का यहां आकर बैठेगा तो मजा के बजाय और ही सजा भुगतेगा। बाप को सारी दुनिया याद करती है, कहते हैं हे लिबरेटर, हे गाइड, हे पतित पावन, बुलाते ही तब हैं जबकि रावण राज्य में है। सतयुग में थोड़े ही बुलावेंगे। ये बातें बड़ी सहज हैं समझने की, परंतु माया ऐसी है एकदम भ्रष्ट बुद्धि बनाई देती है। गवर्नमेंट खुद कहती है ये भ्रष्टाचारी राज्य है, परंतु कोई भी अपन को भ्रष्टाचारी नहीं समझते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हम पापी हैं, कपटी हैं, नीच हैं। तुम्हारे आगे बस साधुओं के आगे ऐसे नहीं कहेंगे, देवताओं के आगे कहते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शिव के आगे भी ये महिमा नहीं करेंगे, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। क्यों? देवताओं के आगे क्यों महिमा करते हैं? शिव के आगे ऐसी महिमा नहीं करते हैं। हाँ, शिव को निर्गुण निराकार कहा जाता है, बाप की महिमा और देवताओं की महिमा में बहुत अंतर है। अक्षर करके लक्ष्मी नारायण के आगे जास्ति कहते हैं। अभी तुम तो समझ गए हो, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा ऊंच किसने बनाया? तुम तो उनके अनेक जन्मों की कहानी बताते हो। पहले नंबर में 84 का चक्र यही खावेंगे। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। तुम सतयुग से लेकर सबकी हिस्ट्री को जानते हो, सतयुग से लेकर कौन कौन कितने जन्म लेते हैं, कौन 83 जन्म लेते हैं, कौन 82 जन्म लेते हैं। कन्वर्ट होने वालों की भी हिस्ट्री तुम बता सकते हो, कौन क्या क्या बनते हैं वो भी तुम जानते हो। परंतु ये बातें तुमको किसने सिखाई? तो तुम कहेंगे हमको भगवान ने सुनाया। उनके सिवाय और कौन सुना सकेंगे? बाप कहते हैं मैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं, तो जरूर समझेंगे। इनको उसने ही समझाया होगा। बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सदगुरु की भी महिमा करेंगे।
फिर जान जावेंगे कि तीनों एक ही हैं। एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का पार्ट बजाते हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में है, शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। पतितों की पहचान क्या है? पतित दुखी जरूर होंगे, बाप कहते हैं मैं ही पतितों को पावन बनाने आता हूं। सतो प्रधान सुखी होते हैं और तमो प्रधान दुखी होते हैं। खुद भी दुखी होते हैं औरों को भी दुखी देते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव होता है। और ये सतोगुणी होते हैं सतयुग में, तमोगुणी कलयुग में होते हैं। बाकी हां, हर युग में नंबरवार अच्छे और बुरे होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। सतयुग में कब ऐसे नहीं कहेंगे ये कोई खराब है, ये ऐसा वैसा है, क्योंकि वहां बुरे लक्षण कोई में होते ही नहीं है। वो है ही दैवी संप्रदाय। हां, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की वहां गणना नहीं होती है। वहां तो सब सुखी रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं। उसका नाम ही है सुखधाम। ये तो दुखधाम है। तो बच्चों को बाप से पूरा 21 जन का सुख का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए अपना चित्र और इन लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो कहेंगे कोई तो इन लक्ष्मी नारायण को सिखाने वाला होगा। ये तो भगवान वाच है, श्री कृष्ण तो फिर भी मनुष्य है, उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान को अपना शरीर नहीं होता है, श्री कृष्ण को तो अपने मां बाप से मिला हुआ शरीर था। भगवान तो आकर के शरीर का लोन लेते हैं। 17 जून 1966 की वाणी का दूसरा पेज। जिस शरीर का लोन लेते हैं वो शास्त्रों में गाया हुआ है, भागीरथ है। तो जरूर कोई रथ पर विराजमान होता होगा, मनुष्य शरीर में ही विराजमान होते हैं, बैल पर थोड़े ही आवेंगे। ऐसे क्यों कहा है? बैल तो जानवर होता है, बैल बड़ा अड़ियल होता है,
जानवर बुद्धि में भगवान बाप आवेंगे क्या? मनुष्य तन में ही आवेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य को मनन चिंतन मंथन करने के लिए मन होता है, जानवर थोड़े ही मनन चिंतन मंथन करेगा। परंतु ये बात मुरली में कहने की क्यों जरूरत पड़ी? ये तो साधारण बात है समझने की, किस तरफ इशारा है। वो बैल कौन है जो मंदिरों में दिखाया जाता है? शिव के मंदिर में जहां नाली दिखाते हैं वहां बैल को रखा हुआ है। अब बैल को शिव दिखाई पड़ेगा या नाली दिखाई पड़ेगी? किसके सामने बैठा हुआ है? है? बैठा तो शिवलिंग के सामने है, लेकिन वहां नाली भी है, परंतु बैल किसको याद करेगा? है? बैल शिव को पहचानता है? अरे आज के मनुष्य शिव को नहीं पहचानते, मनुष्य मात्र ये नहीं जानते हैं कि मंदिर में रखा हुआ ये पत्थर का लिंग किसकी यादगार है। तो जानवर बुद्धि कैसे जानेगा? बाप कहते हैं मैं बैल पर थोड़े ही आऊंगा, परंतु भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। इसे क्या साबित हुआ कि शिव कोई मनुष्य शरीरधारी में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है उसे आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। इसलिए संसार में शिव और शंकर को मिलाकर इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि एक समान हो जाते हैं। दुनिया में और कोई देवता नहीं है जिसको शिव के साथ मिलाया हो। इसे साबित होता है कि बैल पर नहीं आते हैं, परंतु यादगार चित्रों में बैल पर बैठे हुए क्यों दिखाया है? है? इसीलिए दिखाया है कि बैल पर शंकर की सवारी होती है, शिव की सवारी नहीं होती है। इसकी यादगार नेपाल में कुछ है, हैं? पशुपति नाथ। क्या नाम दिया? जो पशुओं का पति है उनको भी नाथने वाला है। तो साबित होता है कि शिव शंकर में आते हैं और शंकर के हाई जंप लगा के पुरुषार्थ करते हैं तो बैल पर सवार हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव बैल पर आते हैं, हाँ शिव शंकर को इकट्ठा किया है तो बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको तो कितना खुश होना चाहिए कि हम बैल के नहीं बने हैं,
हम किसके बने हैं? हम तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो आत्माओं का बाप है, जो एक ही शरीर में प्रत्यक्ष होते हैं, हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे तुम ही हमारे हो। क्यों? सारी दुनिया बाप की नहीं है? है? सारी दुनिया बाप की क्यों नहीं है? क्योंकि सारी दुनिया बाप को नहीं जानती है, तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। बैल भी बाप को नहीं जानता है। जो बैल के फॉलोअर हैं, वो भी बाप को नहीं जानते हैं। तो तुमको बहुत खुश होना चाहिए कि हम किसी जानवर बुद्धि भगवान के नहीं बने हैं। दिखाते हैं ना, कौन कौन से अवतार जानवरों के दिखाए हैं। उन जानवर अवतारों के हम नहीं बने हैं। हम तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, हम उस बेहद के बाप के बने हैं। तो बाप भी कहते हैं, तुम ही हमारे हो। परंतु बाप को अपना पद पाने की खुशी नहीं है। टीचर तो टीचर है, टीचर का काम है पढ़ाना। बाप कहते हैं, बच्चे मैं सुख का सागर हूं, अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है, तब भासता है जब हमने तुमको एडाप्ट किया है। और एडाप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडाप्ट करते हैं, वो कन्या भी समझती है ये हमारा पति है। अभी तुम तो समझते हो शिव बाबा ने हमको एडाप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते हैं। उन्हों की वो एडाप्शन है, एक दो पर काम कटारी चलाना। समझो, कोई राजा गोद में बच्चा लेता है, एडाप्ट करता है, तो बच्चे को सुख देने के लिए एडाप्ट करता है। परंतु वो तो है एक जन्म का अल्पकाल का सुख, और मैं तो तुम बच्चों को एडाप्ट करता हूं कितने जन्म का सुख देने के लिए, 21 जन्म का सुख देने के लिए एडाप्ट करता हूं। और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। वो कहेंगे ये हमारा गुरु है, या तो कहेंगे ये हमारा फॉलोअर है। तो गुरु और शिष्य की भी एडाप्शन होती है। तो दुनिया में कितने प्रकार की एडाप्शन होती है। बाप बच्चे को एडाप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर उनको शादी कराए दुख का वर्षा दे देते हैं।
जन्म जन्मांतर दुखी होते जाते हैं तो कहेंगे कि गुरु और शिष्य का एडॉप्शन फिर भी अच्छा है। फिर भी कहेंगे वो पवित्रता की एडॉप्शन है और यहां तो है महान पवित्र बनने की एडॉप्शन। क्यों? क्योंकि तुम एवर प्योर बाप की एडॉप्शन में आते हो। यहां बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके हैं। तो ये एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। ये ईश्वर की एडॉप्शन है। आत्माओं को आकर अपना बच्चा बनाते हैं। अब तुम बच्चों ने इस दुनिया में सबकी एडॉप्शन को देख लिया। सन्यासियों के होते हुए भी गाते रहते हैं हे पतित पावनाओ। बाप आकर के हमको एडॉप्ट करके पावन बनाओ। सब ब्रदर्स हो तो हैं ही, परंतु जबकि आकर के अपना पावन बनावे तब कहेंगे ना। कहते हैं बाबा हम बहुत दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है? रावण कहा ही जाता है रुलाने वाले को। रावण कहा ही जाता है पांच विकारों को। रावण की एफजी बना करके जलाते रहते हैं। जैसे कोई किसी को दुख देते हैं तो समझते हैं इस दुखदाई के ऊपर तो केस चलना चाहिए, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि रावण सबसे बड़ा दुश्मन। उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलाने वाले कितने पत्थर बुद्धि बुद्धू मूर्ख हैं, जो उनको ये बात का पता ही नहीं है कि रावण क्या चीज है। अर्थ ही नहीं समझते, ये भी नहीं जानते हैं ये कब से दुश्मन बना है और ये कौन है जिसके चरित्र की यादगार में चित्र बनाते हैं। उस चित्र में 10 शीर्ष दे दिए हैं। आखिर ये 10 शीर्ष वाला दुश्मन मरेगा या नहीं मरेगा? इस दुश्मन का तो तुमको ही असली पता है। इस दुश्मन को खत्म करने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। वो बाप गीता में क्या कहते हैं? सब धर्मों का विनाश करता हूं और एक सद्धर्म की स्थापना करता हूं। अर्थात जो दसियों धर्म है उनका विनाश करता हूं और राम राज्य की स्थापना करता हूं।
तो इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है, उस दुश्मन को विजय पाने के लिए तुमको अडॉप्ट किया है, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि विनाश तो होना ही है। इसका क्या प्रूफ है? कोई पक्का प्रूफ है कि विनाश अवश्य अवश्यंभावी है? हैं? हाँ, ये एटमिक बॉम्ब्स भी बने हुए पड़े हैं। 70-72 साल पहले एटमिक एनर्जी का नाम निशान भी नहीं था, भगवान भी नहीं था, भगवान के ढेर डुप्लीकेट रूप भी नहीं थे। 70-72 साल के अंदर असली भगवान भी आया, एटम बम भी बने और ढेर के ढेर डुप्लीकेट भगवान भी निकल पड़े। अभी तुम तो जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो हम रावण पर विजय पाने के लिए फिर से नई सृष्टि में राज्य करेंगे। बाकी तो रामलीला, कृष्ण की रासलीला, ये सब गुणियों के खेल हैं। रावण की गुड्डी पर कितना खर्च करते हैं बनाने में? मनुष्य तो बहुत पैसे गंवाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे तो समझते हो कितना रात दिन का फर्क है, उनके समझने में और तुम्हारे समझने में। वो भटकते हैं, धक्के खाते रहते हैं और तुम्हारी बुद्धि को तो ठिकाना मिल गया है। कैसे? उनकी बुद्धि में है कि भगवान सर्वव्यापी है और तुम्हारी बुद्धि में है कि भगवान तो एक व्यापी है। वो एक मुकर्रर रथ में आया हुआ भगवान हमने पहचाना है। अब हम उसकी सीमत पर शेष्टाचारी सत्य की स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला वो शिव बाबा ही है जो हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तो श्री श्री अर्थात डबल श्री सिर्फ उसे एक को ही कहा जाता है। ऐसे नहीं जैसे भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर शंकराचार्यों ने अपने ऊपर टाइटल रखाई लिया है, क्या? श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज। जो दुनिया की आत्माओं में से चुनकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवताओं की माला बनाते हैं, माला संगठन को कहा जाता है। वो माला बनाने वाला बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। ये सन्यासी उदासी तो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। तो अभी देखो आजकल कितने सन्यासियों आदि ने अपने ऊपर नाम रखवा लिया है, श्री श्री फलाना,
तो कितना फर्क हो गया है। डबल टोपी की पाग रख ली है। वास्तव में श्री का टाइटल द्वापर युग के विकारी राजाओं के ऊपर नहीं रखा जा सकता। इतना समझते हैं कि ये देवताएं होकर के गए हैं, ये नहीं समझते कि हम ही पूजे थे, अब हम ही पुजारी बने हैं। ये कितनी गुह्य बातें हैं, अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो हम इस ईश्वरीय पढ़ाई से डबल सिर ताज बनते हैं, और हम ही पहले भी डबल सिर ताज थे, अब तो हमारे ऊपर सिंगल ताज भी नहीं है। कौन सा सिंगल ताज? स्थूल ताज भी नहीं है, जो राजाओं को ताज होता था। पतित दुनिया के राजाओं को भी स्थूल ताज होता था, अभी वो ताज भी खलास हो गया। और दूसरा पवित्रता का ताज जो देवताओं को दिखाया जाता है, क्योंकि आप पतित हैं ना, जो पतित आत्माएं होती हैं उनमें लाइट कहां से आवेगी? यहां लाइट का ताज किसको भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि प्योरिटी की लाइट होती है, इम्प्योरिटी की लाइट नहीं होती है। इन पवित्र रहने वाले सन्यासियों को भी लाइट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पवित्रता भी आर्टिफिशियल है। जैसे कोई 10 साल जेल में रहे, जेल से बाहर आने के बाद कहे मैंने 10 साल पवित्रता का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ओरिजिनल पवित्रता हुई या आर्टिफिशियल कहेंगे? ये तो मजबूरी की बात है। इसलिए बाप कहते हैं ये सन्यासी भी भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा होते हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जैसे सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है, ये सन्यासी भी भ्रष्टाचारी हैं। देवताओं की पैदाइश तो श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है, देवताएं ही श्रेष्ठाचारी होते हैं। इन चित्रों में जहां तुम तपस्या में बैठे हो वहां तुम ब्राह्मणों को लाइट का ताज नहीं देना है, तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। जो भविष्य में आने वाला टाइम है उसे स्वर्णिम संगम युग कहेंगे। तुम बच्चे अभी जानते हो तो इस बात की खुशी में रहते हो, हम बाबा से डबल सिर ताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं, ये खुशी तुमको रहनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन बन स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, और इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहां तुम स्टूडेंट बैठे हो,
और वहां तो आकर के मित्र संबंधी आदि भी बैठ जाते हैं। ये भी अधूरी मुरली है। अगला रात्रि क्लास है 21-6-66 का। बच्चों ने पार्टीशन भी देखा, जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो कितनी रक्त की नदियां बही थी। कब देखा पार्टीशन है? आदि में। फिर जो आदि में हुआ वो अंत में भी होना है। आदि में था हद के हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन, अभी अंत में क्या होगा है? बेहद का पाकिस्तान बनना है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो कितनी भूख हड़ताल आदि हुई, कितनी पिकेटिंग हुई। जो कुछ गांधी जी ने सिखाया वो सब सामने आता है। ये दुनिया ही ऐसी है। बच्चों की दिल होती है कि कल ही ये शरीर छोड़ सतयुग में जावे, परंतु ये शिव बाबा तो कल्प के बाद ही मिलना है, इसलिए फिर दिल नहीं होती है। अभी तो ईश्वर बाबा परमपिता परमात्मा के साथ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। गायन भी है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं। ये तुम बच्चों का प्रैक्टिकल अनुभव है। दिन रात सुबह शाम ये ख्याल में आना चाहिए, बाबा से हम विश्व के मालिक बनते हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि विनश्यते गाया हुआ है। कहां का गायन है? जब तुमने कल पूर्वी विश्व की बात सही पाई थी, विजयमाला के दाने बने थे, तो अब भी विजयमाला का दाना बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जबकि हम गाते आए हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो भक्त लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं कि कैसे बाप आकर के प्रैक्टिकल में माता पिता बनते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में जानते हो। प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? बाप प्रैक्टिकल में आए हैं या सिर्फ साक्षात्कार की बात है? प्रैक्टिकल में मन शरीर के साथ पार्ट बजाते हैं। अभी बाबा आया हुआ है तो जितना सुख लेना चाहें उतना ले सकते हैं। इसमें सिर्फ याद की बात है। बाप कहते हैं आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनकर रहे हो, अभी तुम बाप को याद करो
तो तुम्हारे देह अभिमान की कट उतर जाएगी। शिव बाबा की कशिश बहुत होती है, फिर भी कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। भक्ति मार्ग में कृष्ण लीला बाल लीला का गायन होता है, कह दिया है मटकी फोड़ते थे, परंतु सतयुग में तो कृष्ण के लिए ऐसी बात नहीं कह सकते। ये तो संगम युग की यादगार है। संगम युग में बाबा प्रैक्टिकल में जादूगर है। मीरा तो साक्षात्कार करती थी, कोई प्रैक्टिकल में स्वर्ग में थोड़ी गई। इन साक्षात्कार आदि की बातों में कुछ भी नहीं रखा है, वो सिर्फ रमत गमत है। तो चरित्र कृष्ण के नहीं है, चरित्र सारे शिव बाबा के हैं। तुम यहां शिव बाबा के पास आए हो, तुम आए हो शिव बाबा के पास, वो नहीं आए हैं। वो माने कौन? जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो शिव बाबा के पास नहीं आए हैं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी काटे उतर जाएगी। सिर्फ बाबा को याद करना है, और जितना जितना याद करेंगे उतनी ही तुम्हारी कट उतरती जाएगी। बहुत खुशी होगी, परंतु बच्चे अक्सर करके इस बात को भूल जाते हैं। किस बात को? कि याद भी कैसे आती है। याद आने का क्या कारण है? है किसी को देखते हैं आंखों से तो याद आती है ना। जितना लगाव पूर्वक देखेंगे उतना जास्ती याद आवेगी। ये तो आंखों का मिसाल दिया। मनुष्य को तो सबसे जास्ती इंद्रियां होती हैं। जानवरों में, कीट पशु पक्षी पतंगों में उतनी इंद्रियां नहीं होती हैं। इंद्रियों से ही सुख और दुख लिया जाता है। और भगवान बाप तो सुखदाई है या दुखदाई है? सुखदाता है, तो बहुत याद आना चाहिए। परंतु माया पीछे ऐसी पड़ी हुई है जो तुमको छोड़ेगी ही नहीं। माया क्या करती है? है? तुम कहते हो बाप भगवान आया हुआ है, और माया? माया कहती है हो ही नहीं सकता कि भगवान बाप आवे। माया तुमको बहुत तूफान में लावेगी, तो माया से तुम्हारी लड़ाई है। मीठे मीठे बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। जो कड़ुए कड़ुए हैं, है? वो खुशी में नहीं रह सकते? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं?
हैं? मीठे बाबा का संग करने वाले मीठे ही रहेंगे या कड़वे होंगे? मीठे ही बनकर रहेंगे। बाप कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख की बातें पूछनी हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किससे पूछो? गोप गोपियों नाम क्यों दिया? गोप गोपी माने क्या? जिन्होंने बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़े हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में उन गुप्त संबंधों की बात नहीं बैठती। वो गोप गोपी शिव बाबा से फिर से वर्षा ले रहे हैं। पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, गुप्त रहने का, क्योंकि तुम्हारा दान मान पद सर्विस है सब गुप्त है, तो तुम ऊंच पद पा सकते हैं। अगर दान किया, दूसरे को पता लग गया, तो दान की ताकत कम हो जाएगी, फिर उतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बच्चियां मार खाती हैं, परंतु निश्चय बैठता है कि हम तो पवित्र बनकर के बाप से जरूर राज्य लेंगे। मार खाते खाते कोई मर भी जाती है, किसका मिसाल दिया? जालंधर में कोई बच्ची मार खाते खाते मर गई, वो भी बहुत अच्छा पद पा लेंगी। इस समय तुम नालिशफुल बनते हो। बाप इस समय आए नालिश देते हैं, फिर इस नालिज के तुम संस्कार ले जावेंगे। कहां ले जावेंगे? सतयुग में है? सतयुग में नालिज के संस्कार होंगे हैं? अरे नालिज के संस्कार फिर कहां उदय होंगे? द्वापर युग से, द्वापर युग के आदि से शास्त्र बनना शुरू होते हैं। पहले हर चीज सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान दुखदाई बन जाती है। ऐसे इन शास्त्रों में भी पहले पहले सच्चाई थी। जैसे गीता में बाद में कृष्ण का नाम डाला गया, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पावेंगे। देवताएं हैं ही दैवी गुणों वाले, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। शरीर के पवित्र बनने में कोई दुख की बात नहीं होगी, आत्मा भी पवित्र बनेगी। आगे चल के तुम बच्चों को साक्षात्कार होने हैं, तुम देखेंगे कि हमारे संगठन रूपी महल बन रहे हैं और धर्मों के संगठन रूपी महल टूट रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। तुम्हारा संगठन संसार में चमकेगा। तुम देखेंगे, फिर बता देंगे कि फलानी दासी बनेगी, फिर उस समय बहुत अफसोस होगा।
इसलिए बाबा कहते हैं जितना याद कर सको उतना पुरुषार्थ करो और उनको भी रास्ता बताओ। बोलो, बेहद का बाप स्वर्ग की रचना रचने वाला है, तो बाप को याद करने से तुम्हारे विकम विनाश हो जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।